हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रैवल टू एक्सप्लोर नेचर। तो लास्ट व्लॉग में हमने माउंटेन व्यू कूर्ग प्लांटेशन विज़िट किया था, तो अभी वहां से निकल रहे और हैदराबाद के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम हुंसूर में हैं। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे लंच के लिए, क्योंकि बहुत सारे होटल्स हैं यहां पे, तो लंच करके निकल सकते हैं अगर दोपहर के टाइम में यहां पर है तो। तो अभी मैसूर यहां से और एक 50 किलोमीटर्स है, 1 आवर लगेगा। तो अभी मैसूर रिंग रोड पे है, तो यहाँ से अभी एक 10-15 मिनट में मैसूर एग्ज़िट कर जाएंगे। और हमारा फेवरेट प्लेस जो है पुजारी फिशलैंड, वहाँ पे लंच करेंगे। अभी 3:16 हो रहा है अभी, तो मिलेंगे आगे पुजारी में। यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे मैसूर रिंग रोड से, और यहाँ पे हमको सर्विस रोड लेना है पुजारी फिशलैंड के लिए। आप बोर्ड देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बोर्ड, तो वो राइट साइड का मैसूर एक्सप्रेस वे है। अगर आप पुजारी के लिए प्लान कर रहे हैं तो सर्विस रोड लेना चाहिए। ओके, पहुंच गए हम पुजारी फिशलैंड। ये मैसूर का फेमस सी फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप अंजल तवा मसाला फ्राई और प्रॉन्स घी रोस्ट मस्ट ट्राई आइटम्स है। तो ये हमारा 7th टाइम विजिट है। हम जब भी ये रूट में है तो कंपलसरी आके यहाँ पे खाके ही जाते हैं। तो ये हमने अंजल तवा मसाला फ्राई ऑर्डर किया है, तो ये एक्चुअली हमारा फेवरेट है, तो एंजॉय करेंगे। डू यू लाइक दिस फिश? यस यस, श्रेष्ठ। तो ये है प्रॉन्स घी रोस्ट, हमने प्रॉन्स घी रोस्ट ऑर्डर किया है। तो हमने रोटी भी ऑर्डर किया है, बटर रोटी। ये फिश ग्रेवी है। तो इस बार अंजल मसाला फ्राई को थोड़ा ट्विस्ट दिया गया है, ऑनियन फ्राइज दिया है, तो डिफरेंटली फ्राई कर रहे हैं। ये तो मस्त है, सुपर है, मौका को भी अच्छा लगा। तो मैंने अपना रोटी और अंजल मसाला फ्राई फिनिश कर लिया है, तो श्रेष्ठ थोड़ा रो रहा था तो इसीलिए बाहर लेके आए। शैलू और श्लोका अभी भी खा रहे हैं, तो तब तक थोड़ा घूम के इसको दिखाऊंगा। सब फिश वैराइटीज देखिए मेनू में, इसका प्राइस भी है। तो हम अभी है मैसूर एक्सप्रेस वे में, तो यहाँ से मांड्या दिखा रहा है 6 किलोमीटर्स, और शोले का रामनगरा 54 किलोमीटर्स है। आगे जाने के बाद हमको चन्नापट्टनम आएगा, तो वो फेमस है वुडन टॉयज़ के लिए। तो देखते हैं अगर कुछ स्टोर्स हाईवे के बाजू में मिल गया तो जाके एक्सप्लोर करेंगे चन्नापट्टनम का टॉयज़। अगर आप ये रूट में है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये हाईवे के बाजू में ही एक स्टोर मिल गया हमको चन्नापट्टनम का टॉयज़, तो ये वुडन टॉयज़ रहेंगे, तो बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लेंगे यहाँ पे।
चन्नापटना में है, यहाँ पे उडन टॉयस फेमस है, तो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहता है गाँव में चन्नापटना में, तो ये शॉप्स भी वही लोग लगाते हैं और सेल करते हैं यहाँ पे। ट्राई कीजिएगा अगर आप ये रूट में आ रहे हैं तो, पूरे बच्चों के लिए अच्छा रहता है। नेचुरल मटेरियल, ऑलमोस्ट ऑल वुड मटेरियल से ही बनता है। तो वापस आ गए मैसूर एक्सप्रेस वे पे टॉयस खरीदने के बाद। तो यहाँ से अभी बैंगलोर और एक 1 आवर है, तो चलेंगे बैंगलोर। तो बेंगलुरु पहुंच गए ए टू बी। ये सोनप्पा हल्ली एरिया है, तो यहाँ पे ए टू बी में रूम लिया है, तो नाइट यहाँ पे स्टॉप ओवर करके फिर सुबह निकलेंगे हैदराबाद के लिए। तो यही है ए टू बी का रूम, तो ठीक है, टीवी भी दिया है, बेड पे, डेस्क जैसा है, मिरर, एक कबोर्ड्स भी है। चेयर्स भी दिए हैं, और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी ओके है। हॉट वाटर पे गीजर तो नहीं है, मगर आई थिंक सोलर का होगा। तो ये पड़ा है हमको 2500 पर नाइट, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है। तो अभी सो जाएंगे, रेस्ट लेंगे और कल सुबह फिर हैदराबाद के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं ए टू बी से, तो ब्रेकफास्ट करके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया है ना, तो करने के बाद थोड़ा स्वीट्स भी खरीदेंगे फिर निकलेंगे। ये मिनी ब्रेकफास्ट है, रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये पोंगल है, ये कुछ स्वीट है, वड़ा, इडली और एक डोसा भी दिया है। थोड़ा स्वीट्स भी लिया है आनंद भवन से, यहाँ का स्पेशलिटी है। तो यही है सोनप्पा हल्ली में है ये आनंद भवन स्वीट्स एंड स्नैक्स, और ऊपर रूम्स भी है। ओके, रूम्स ओके ओके है, उतना अच्छा नहीं है मगर ओके। वाह, ये देखिए लैम्बोर्गिनी। तो यहाँ पास में ही एक सर्विस स्टेशन है लैम्बोर्गिनी का, और ये देखिए बेंगलोर एयरफोर्स स्टेशन से एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर। अभी ड्राइवर का आदान प्रदान हुआ है, अभी शैल ड्राइविंग सीट पे है। तो अभी हम अनंतपुर से आई थिंक अराउंड 110 किलोमीटर्स और बाकी है, और एक 2 घंटे में अनंतपुर पहुंच जाएंगे। और हैदराबाद यहाँ से और 467 किलोमीटर्स है, तो 9 o'clock तक पहुँचना चाहिए अगर बीच में हम नहीं रुके तो।
एक दो घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एटलीस्ट 11 or 12 हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे एक वैशाली रेस्टोरेंट बोल के हैं, वैशाली फैमिली रेस्टोरेंट, किया से पहले है। तो ये रूट में इतने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं रहेंगे, एक दो छोटे ही रहेंगे। तो पेनुकोंडा के पास रुके हम, तो यहाँ पे है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे थोड़ा लंच करके फिर निकलेंगे। अक्का मम्मी चूँ इंट कंपिस्तुन्नारा वाळ्ळु कंपिंचारु इतना सेम टू सेम कदा। तो कर्नूल क्रॉस कर लिया हमने, उसके बाद एक टोल गेट आएगा। टोल गेट के पहले एक गुरु नानक पंजाबी फैमिली ढाबा बोल के एक रहता है, तो ये हमको ऑलरेडी हम यहाँ पे खा चुके हैं 2-3 बार, ये हमारा शायद 4th बार है। तो यहाँ पे फूड अच्छा रहता है, टेस्ट तो मस्त अच्छा लगता है ढाबा स्टाइल। तो यहाँ पे डिनर करके फिर निकलेंगे। तो अगर आप कर्नूल के पास में ही हैं तो ये गुरु नानक फैमिली ढाबा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको टेस्ट भी मस्त लगेगा, क्वालिटी भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो डिनर कंप्लीट कर लिया हमने, तो यहाँ से हमको 4 आवर्स लगेगा हैदराबाद। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो कल रात में 3 बज गया था आते आते, तो घर आने के बाद सो गए थे। तो ये हमारा जो ट्रिप है हैदराबाद से उडुपी, उडुपी से कूर्ग, ये पूरा ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। इसका खर्च हुआ है हमको स्टे ऑप्शंस के लिए उडुपी में एक 13,000 का हुआ था, कूर्ग में एक 8,000 का हुआ था। तो पूरा स्टे ऑप्शन मिलके 20K तक हो गया, और फ्यूल चार्जेस अराउंड 3 times फुल किया था, तो अराउंड 15K तक फ्यूल चार्जेस हुआ है। और क्या था, फूड का एक 4,000 to 5,000 हुआ था बस। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। तो होप आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सीरीज़ तो यहीं पे एंड हो रहा है, हैदराबाद उडुपी और कूर्ग का सीरीज़। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।